नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में कोरोना काल में लोग काफी परेशान हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि कहाँ है? अब लोग खोजने लगे हैं, पोस्टर लगाकर नीचे इनाम की राशि भी लिखी जाती है और अपने अपने जनप्रतिनिधियों को अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, लोकसभा क्षेत्रों में लोग ढूंढ रहे हैं, गुस्से से ढूंढ रहे हैं कि आखिर इस मुश्किल काल में ये जनप्रतिनिधि कहाँ गायब हो गए। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी ढूंढा जा रहा है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव राघोपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं और इस बार भी विधानसभा चुनाव में वो जीत कर आए हैं राघोपुर विधानसभा सीट से, और वहाँ के लोग तेजस्वी यादव को ढूंढ रहे हैं कि आखिरकार उनका जनप्रतिनिधि कहाँ गायब है, कहाँ लापता है। और ये कहा जा रहा है कि जो ढूंढ कर निकालेगा उसे इनाम भी दिया जाएगा। तस्वीर देखिए, एक लापता का पोस्टर लगाया गया है, एक तरफ विधायक राघोपुर यानी कि तेजस्वी यादव और दूसरी तरफ सांसद हाजीपुर यानी कि पशुपति पारस, दोनों की तस्वीर लगाई गई है। और ये कहा गया है कि जो भी इसे ढूंढ कर निकालेगा, इन दोनों को ढूंढ कर निकालेगा, उन्हें 5100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। बिहार के वैशाली जिले के अंतर्गत राघोपुर से विधायक और विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर 5100 रुपए का इनाम रखा गया है। जी हाँ, कोरोना महामारी के दौरान अपने क्षेत्र में नहीं दिख रहे विधायक को ढूंढने के लिए लोगों ने ऐसा पोस्टर वायरल किया है। राघोपुर प्रखंड के कई पंचायतों में ऐसा पोस्टर लगाया गया है, साथ ही इसे सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल किया जा रहा है। ऐसे ही पोस्टर में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत रामविलास पासवान के भाई और हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद पशुपतिनाथ पारस को भी लापता बताया गया है। कोरोना महामारी से पीड़ित लोग अपने जनप्रतिनिधि को खोज रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी दोनों जनप्रतिनिधि के लापता होने की सूचना काफी वायरल हो रही है। पोस्टर में सांसद और विधायक को खोज कर लाने वालों को 5100 रुपए का इनाम देने की घोषणा भी की गई है। पोस्टर में लिखा है कि चुनाव जीतने के बाद सांसद और विधायक क्षेत्र से गायब हैं। कोरोना महामारी में राघोपुर प्रखंड के लोग त्रस्त हैं, कई लोगों की जान पर भी आ चुकी है और गई भी है जान। आरोप है कि सांसद और विधायक लोगों का हालचाल तक पूछने नहीं आ रहे। बिहार सरकार में शामिल दलों के नेता भी तेजस्वी यादव पर लगातार ऐसे सवाल उठा रहे हैं। भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी, जेडीयू के प्रवक्ता संजय सिंह और अभिषेक झा लगातार कहते रहे हैं कि आपदा के वक्त में तेजस्वी बिहार में दिखाई नहीं पड़ते हैं, और कहीं ना कहीं ये बात सच भी है कि तेजस्वी आखिरकार आपदा के वक्त में, बाढ़ के वक्त में, कोरोना के वक्त में, चमकी के वक्त में दिखाई क्यों नहीं देते हैं। पिछले साल भी कोरोना की लहर के वक्त ऐसा आरोप लगा था। उससे पहले यानी कि 2019 में पटना में आई भीषण बाढ़ के वक्त भी राजद नेता पर ऐसे आरोप लग चुके हैं। हालांकि तेजस्वी ने कोरोना काल में अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की मदद के लिए कई अनुशंसाएं सरकार से की है, लेकिन खुद जाकर उन्होंने कोई मदद नहीं की। पिछले दिनों राजद विधायकों के साथ बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भी सभी विधायकों को क्षेत्र में जाकर आम लोगों की मदद करने का निर्देश दिया था, लेकिन अब राघोपुर की जनता कह रही है कि उनके विधायक तो गायब है ही, लेकिन उनके क्षेत्र के जो सांसद हैं पशुपति पारस, वो भी गायब हैं। तेजस्वी यादव तो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हें विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। अगर सरकार मदद नहीं पहुंचा रही है तो विपक्ष को सड़क पर उतरना चाहिए, अपने क्षेत्र में कम से कम तेजस्वी यादव को जाकर सेवा करनी चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, ठीक उस तरह से जैसे कि पप्पू यादव कर रहे थे। वो तो ना सत्ता में है और ना ही विपक्ष में, फिर भी दोनों की भूमिका निभा रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा उनके क्षेत्र की जनता कह रही है। अगर दिखाई देते तो शायद ये पोस्टर वायरल ना होता, शायद इस पोस्टर पर उनकी तस्वीर नहीं होती, सिर्फ पशुपति पारस का होता। लेकिन अभी दोनों ही तस्वीरें लगी हुई है, एक तरफ विधायक और एक तरफ सांसद, दोनों ही क्षेत्र से गायब हैं और जनता इस मुश्किल घड़ी में त्राहिमाम कर रही है। देखने वाली बात यह होगी कि इस वायरल पोस्टर के बाद तेजस्वी यादव का रिएक्शन क्या होता है, क्या वो राघोपुर में लैंड करते हैं, जनता की मदद करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।